करने किए कई ऐसे बड़े काम जिससे विपक्षी हैरान। देश की दशा और दिशा बदलने वाले फैसले कड़े और दमदार, निस्वार्थ फैसलों से दुनिया में बदल दिया भारत का मान। और उसके बाद 2024 की तैयारी, पूरे 9 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है पीएम मोदी को सत्ता में आए, पीएम मोदी को देश संभाले, जो कि शायद देश के सबसे अच्छे समय में से एक रहा है, जब देश प्रगति की राह पर चल पड़ा है। अब विपक्ष चाहे कुछ भी कहे, लेकिन विश्व जानता है कि मोदी का जिगरा कितना बड़ा है, तभी तो देश हित में बड़े बड़े फैसले ले पाया है। आज मोदी राज में लिए गए ऐसे 5 फैसलों की बात करेंगे जिसके बारे में शायद विपक्षी कभी सोच भी नहीं पाए होंगे। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसी शख्सियत जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए शायद कम ही होगी। देश का नागरिक होने के नाते शायद ज्यादातर भारतीय उनकी तारीफ ही करते होंगे। हाँ, कोई दबी जुबान से करता होगा तो कोई मन मार के करता होगा, तो कई ऐसे भी होंगे जो डंके की चोट पर पीएम नरेंद्र मोदी के कामकाज की सराहना करते होंगे। विपक्ष में ही ऐसे कई लोग हैं जो पीएम मोदी के लिए इस तरह का आचरण रखते हैं, उनके कामों से प्रभावित दिखते हैं लेकिन शायद कहने से डरते हैं। खैर, देश की 80% जनता तो है ही मोदी के साथ, जो 2024 में भी पीएम मोदी के नाम पर वोट करने के लिए शायद तैयार ही बैठी है, क्योंकि पीएम मोदी ने अपने 9.5 साल के कार्यकाल में काम ऐसे कई कर दिए हैं। पीएम मोदी ने अपने 2 कार्यकाल में देश हित में अनगिनत फैसले ले लिए हैं जिन्हें उंगलियों पर गिन पाना मुमकिन नहीं है। लेकिन आज हम उनके कार्यकाल में लिए गए ऐसे 5 कड़क फैसलों की बात करेंगे जिसे देख विपक्षी भी हिल गए। कार्यकाल की शुरुआत में ही एक फैसले को लेकर देश की जनता को जहां खुश कर दिया, वहीं विपक्ष के पैरों तले जैसे जमीन को खिसका दिया। पिछले कई सालों से कोर्ट की कार्रवाई में उलझे भगवान राम को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला और 9 नवंबर 2019 तारीख ऐतिहासिक हो गई, क्योंकि इसी दिन राम मंदिर पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया जिससे राम भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसी ऐतिहासिक दिन सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम जन्मभूमि को ही भगवान राम का जन्म स्थान माना और फिर 5 अगस्त 2020 वो तारीख आई जब पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन किया। और अब वो तारीख भी बहुत पास ही है जब राम मंदिर में रामलला विराजमान हो जाएंगे और मंदिर के द्वार भी आम जन के लिए खुल जाएंगे। दूसरा, अनुच्छेद 370 का खात्मा। जम्मू कश्मीर देश का अभिन्न हिस्सा तो हमेशा से ही था, लेकिन जैसे अलग थलग था। इसके अपने नियम कायदे थे, इसका अपना एक अलग झंडा था। भारतीय संविधान की तरफ से अनुच्छेद 370 के जरिए जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था, जो कि इसे भारत से अलग बनाता था। लेकिन मोदी सरकार ने कश्मीर को लेकर किसी के मन में कोई संशय न रहे, पड़ोसी मुल्क इसे अपना न समझ ले, इसका विशेष इंतजाम किया और अनुच्छेद 370 को ही जड़ से मिटा दिया। जम्मू कश्मीर को 370 की बेड़ियों से मुक्त कर दिया। नरेंद्र मोदी का ये फैसला उनके सबसे बड़े और ऐतिहासिक फैसलों में से एक रहा। इस फैसले के साथ ही कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया और फिर जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। तीसरा, 3 तलाक का खेल खत्म।
मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही मुस्लिम महिलाओं पर गौर किया, जो कि तीन तलाक के दंश से जैसे सत्ते में थी। रोज कोई न कोई ऐसी खबर आ रही थी, जब प्रतीत होने लगा था कि ये तीन तलाक का दंश मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी को अंधेरे में ले जा रहा है, उन्हें बेसहारा कर दे रहा है। ऐसे में मुस्लिम महिलाओं के हित में मोदी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया। पीएम मोदी ने तीन तलाक को लेकर कड़ा कानून बनाया और मुस्लिम महिलाओं को बहुत बड़ी राहत दी। तीन तलाक विधेयक को संसद में पारित कराया गया। इस विधेयक के पास होते ही तीन तलाक बोलना ही गैर कानूनी हो गया। अब कोई भी मुस्लिम शख्स अपनी पत्नी को अगर तीन तलाक बोलकर छोड़ेगा तो वो कानूनी रूप से भारत के संविधान में मान्य नहीं होगा। कोई भी मुस्लिम शख्स अपनी पत्नी को एक बार में तीन बार तलाक बोलकर छोड़ नहीं सकता। ऐसा करने पर पुलिस बिना वारंट पत्नी को छोड़ने वाले शख्स को गिरफ्तार कर सकती है। चौथा, पूरे देश में CAA लागू किया। CAA यानी कि नागरिकता संशोधन कानून, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये भी मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में गिना जाने वाला फैसला है, जिसको लेकर बवाल भी खूब हुआ। मोदी सरकार ने साल 2019 में संसद में नागरिकता अधिनियम पारित किया था। इसका उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यक सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध को भारत की नागरिकता देना है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद ये कानून बन गया और 10 जनवरी 2020 से इसे देश भर में लागू कर दिया गया। पांचवा, सर्जिकल स्ट्राइक। 18 सितंबर 2016 की बात है, जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में इंडियन आर्मी के मुख्यालय पर सुबह करीब 5:30 बजे आतंकियों ने हमला कर दिया था। इस हमले में 19 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 30 से ज्यादा घायल हो गए थे। जवाबी फायरिंग में 4 आतंकी भी मारे गए थे, जिसके बाद पीएम मोदी ने हाई लेवल की बैठक बुलाई थी और इस पर कड़ा जवाब देने का फैसला लिया गया था। पीएम मोदी ने ट्वीट करके देशवासियों को आश्वासन दिया था कि हमले के पीछे शामिल लोगों को जरूर सजा मिलेगी। 28 सितंबर 2016 को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। आधी रात करीब 12 बजे MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए 150 कमांडो LOC के पास उतरे थे। यहां से 25 कमांडोज ने LOC पार की और 3 हेलीकॉप्टर तक पैदल चलने के बाद यहां पर कमांडोज ने आतंकियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। इस जवाबी हमले की चर्चा पूरे विश्व में हुई थी। तो ये थे पीएम मोदी के कार्यकाल के सबसे बड़े वो 5 दमदार फैसले, जो बताते हैं कि पीएम मोदी देश हित में काम करने के लिए क्यों दुनिया में विख्यात हैं, क्यों पूरी दुनिया उनकी कार्यशैली की दीवानी है, क्यों उनके किए कामों की लिस्ट यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि अभी तो बहुत बहुत लंबी है। पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में बहुत से ऐसे फैसले लिए हैं जिसने भारत के दिन बदल दिए हैं, भारत के दिन सुधार दिए हैं, जैसे देश से दुर्दिन हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गए हैं। वैसे आप इस लिस्ट में पीएम मोदी के कार्यकाल के और कौन कौन से बड़े फैसले जोड़ना चाहेंगे? गरीबों के हित में, देश के हित में किए गए मोदी सरकार के और कौन से काम गिनाना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं और साथ ही इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें।